भी टाइगर रिजर्व की माला रेंज का बाघ लगता है कि जाग गया है। यहाँ रेंज के जंगल से सटे गांव नदहा में आज सुबह तीन युवक खेत पर काम कर रहे थे। खेत जंगल से सटा हुआ था तो आसपास पड़ी लकड़ी देख तीनों युवक लकड़ी बीनने लगे। इसी बीच झाड़ियों में छुपे बैठे बाघ ने युवकों पर हमला बोल दिया, जिसमें श्री कृष्ण नाम का युवक बाघ के शिकंजे में आ गया। जब साथियों ने बाघ का विकराल रूप देखा तो पहले तो डर गए, लेकिन बाद में हिम्मत करके उन्होंने साथी को बचाने का प्रयास किया। लकड़ी के डंडों से बाघ को ललकारा और काफी शोर मचाया, जिस पर बाघ श्री कृष्ण को घायल कर जंगल के अंदर भाग गया। साथ ही घायल युवक को किसी तरह से गांव लेकर आए, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां अब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और बचाने का प्रयास कर रहे हैं। युवक के सर के पीछे काफी जख्माए हैं और खून का रिसाव नहीं रुक रहा है। गांव के प्रधान ने बताया कि तीनों खेत में काम करने गए थे, लेकिन जंगल किनारे पड़ी लकड़ियां देखकर उन्हें बीनने लगे। इसी बीच बाघ ने उन पर हमला बोल दिया। जी सुबह लकड़ी बीनने गए थे जंगल तीन लोग से, तो खेत भी पास है जंगल भी पास है, लकड़ी बीनने गए थे, इन पर टागर ने हमला कर दिया। जो अन्य दो लोग थे उनने बचा लिया, इन्हें घायल, सर में चोट है, हाथ में दोनों घायल।